पिछले कुछ दिनों से हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस दोनों में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। जहां भाजपा सरकार अलप मन में चल रही है, तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। इन सब का कुछ होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने फ्लो टेस्ट की मांग से हाथ पीछे खींच लिया है। गुरुवार को पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह ने नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों का दल राज्यपाल से मिला, लेकिन किसी ने फ्लो टेस्ट की मांग नहीं की। अहम बात है कि कांग्रेस ने केवल ज्ञापन सौंपा और कहा कि भाजपा सरकार को बर्खास्त किया जाए। दरअसल हरियाणा में मनोहर लाल को भाजपा ने CM पद से हटा दिया है और JJP के गठबंधन तोड़ लिया है। इसके बाद नायाब सैनी CM बनने और उन्हें निर्दलीय विधायकों ने भी समर्थन किया। कुछ 48 विधायकों का समर्थन भाजपा के पास था, लेकिन इस बीच भाजपा से निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस ले लिया और फिर सरकार अलप मन में आ गई। तब से अब तक लगातार कांग्रेस बयानबाजी कर रही है, लेकिन राज्यपाल से फ्लो टेस्ट के लिए आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। चंडीगढ़ में राज्यपाल से मुलाकात के बाद भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार को नैतिकता के आधार पर खुद ही त्यागपत्र दे देना चाहिए और राज्यपाल को हॉर्स ट्रेनिंग रोकने के लिए विधानसभा भंग करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने ज्ञापन और विचार करने का अविश्वास दिया है। इससे पहले 10 मई को भी कांग्रेस पार्टी ने गवर्नर को ज्ञापन दिया था। दरअसल कांग्रेस के पास विधानसभा में संख्या बल नहीं है। विपक्ष को मिलाकर कुल 44 विधायक जरूर भाजपा के विरोध में हैं, लेकिन इनमें से JJP में फूट है। वहीं कांग्रेस को यह भी आशंका है कि फ्लो टेस्ट के दौरान JJP और अन्य विधायक भाजपा का समर्थन कर सकते हैं। अहम बात है कि विधानसभा चुनाव में भी ज़्यादा वक्त नहीं बचा है और ऐसे में कांग्रेस जल्दबाजी नहीं करना चाहती। तीसरी बात यह भी है कि नायाब सैनी जब CM बने थे तो उस दौरान फ्लो टेस्ट हुआ था और 6 माह में ही दोबारा फ्लो टेस्ट नहीं होगा। हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से 3 खाली हैं। भाजपा के पास 41 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के पास सिर्फ 29 सीटें हैं। JJP के पास 10, 6 निर्दलीय और गोपाल कांड की पार्टी के पास हैं। बहुमत के लिए 44 विधायक चाहिए, जबकि भाजपा के पास 43 विधायकों का समर्थन है। ऐसे में एक विधायक जुटाना भाजपा के लिए मुश्किल बात नहीं है। इसी वजह से भी कांग्रेस फ्लो टेस्ट से पीछे हट रही है। सैनी सरकार में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने गुरुवार को एक निजी चैनल से कहा कि हम फ्लो टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और अपना बहुमत भी साबित करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में स्वाभिमानी नेता का दम घुटने लगा है। पहले तो यह पार्टी एक व्यक्ति विशेष की थी, लेकिन अब यह देश विरोधी बातें भी करने लगी है। निश्चित तौर से ही जो स्वाभिमानी नेता होगा वह पार्टी को अलविदा जरूर कहेगा। उधर CM ने भी यही हाल में बताया कि कांग्रेस पार्टी पहले अपने विधायकों का ट्रस्ट करवा ले, उसके बाद ही वह एकजुट है या नहीं ये पता चल जाएगा।